सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रिजेश मिर्जा ने टाइम्स ऑफ भारत से कहा कि पीएम मोदी ने फोन पर उनसे बात कर दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुल पर लटके लोगों को बचाया भी था, और ये कल शाम की बात है श्वेता, जब बात उनसे की गई थी। वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, जैसे ही उन्हें जानकारी मिली वो काम छोड़कर फौरन हादसे वाली जगह पर पहुंचे, लोगों को बचाया भी और सर्च ऑपरेशन अभी भी, आपको बता दें, इस पूरे हादसे के बाद जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार संपर्क में है, और पीएम मोदी हो या मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, हर पल की जानकारी वो ले रहे हैं। मॉनिटरिंग प्रॉपर की जा रही है। टाइम्स ऑफ भारत से स्थानीय विधायक ब्रिजेश मिर्जा की कल शाम को भी बात हुई थी जब वो मौके पर पहुंचे थे। मोरबी में जो घटना घटी, उस घटना के घटने के बाद तत्काल सबसे पहले इस जगह पे पहुंचने वाले स्थानीय विधायक और गुजरात सरकार के मंत्री ब्रिजेश मिर्जा पहुंचे थे। पूरी रात वो सोए नहीं है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और वो हमारे साथ मेहमुनी से बात करेंगे। ब्रिजेश जी, जिस तरह से ये दुखद घटना, किस तरह से कल से आप लगातार यहाँ पे जुटे हुए हैं? इट्स माई मॉरल कमिटमेंट, इट्स माई मॉरल ड्यूटी बींग अ मोरबियन, बींग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोरबी। जो हादसा हुआ है वो बहुत कठिन है हमारे लिए, और हम हतप्रत है। इस बीच में भी जो मिसिंग है उसको सर्चिंग कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि NDRF और आर्मी, नेवी सबकी टीम यहीं पे कार्यरत है, और हमें पूरा भरोसा है जो जांच, जो सर्चिंग हो रहा है, तो जो मिसिंग दो पीपल है वो भी मिल जाएंगे। सर, जब घटना घटी तो क्या प्रधानमंत्री से बात हुई, क्या मुख्यमंत्री से बात हुई थी, क्या स्वयं, क्योंकि काफ़ी चिंतित हैं प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात में? हाँ, जब कल 6:40 को ये घटना हुई, मैं मोरबी में एक दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त था, मुझे पता चला, मैं दौड़ के यहाँ आ गया, और जो ब्रिज पे जो लोग लटके हुए थे उसको बचाने का कार्य किया, और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री श्री के कार्यालय से फोन आया, मेरे साथ मुख्यमंत्री साहब ने भी बात की, कुछ कसर नहीं छोड़नी और युद्ध के धोरण पे काम, वहीवटी तंत्र करें, ऐसा आप वहाँ पे मॉनिटरिंग करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने भी मोरबी के प्रतिनिधि के तौर पे मेरे साथ बात करके मुझे संवेदना मोरबी वासियों के लिए दी, और बोला कि जो इंजर्ड हुए हैं और उसको तात्कालिक अच्छी चिकित्सा मिले, और जो करना वो जल्दी से जल्दी करके प्रजा को, जो ये घटना घटी है उसमें वहीवटी तंत्र कड़ी से कड़ी मेहनत करे, उसके लिए हमने इंस्पायर किया। हालांकि हिमांशु, अब सिर्फ दो लोग ही बताया जा रहा था जो लापता है, लिहाजा अब कुछ ही वक्त में हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो जाए, लेकिन अपने पीछे कई बड़े सवाल यह हादसा छोड़ गया है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने लोगों के जान के नुकसान को लेकर के जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है? और बिल्कुल, हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रविकांत का, जो इस वक्त NDRF के DIG से बात कर रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों ने तकरीबन 170 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, वहां पर फौरन कार्रवाई हुई, और अभी 132 डेथ्स का हवाला दिया जा रहा है। दो मिसिंग हैं जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। NDRF की टीम अभी वहाँ पर लगी हुई है, तैनात है, हमारे डीप डाइवर्स वहाँ मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं वो कि उनको लोकेट करें, और मेरे ख्याल से ऑपरेशन जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। हो सकता है मलबे को हटाने में कुछ टाइम लगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा मलबा, उसका जो ब्रिज का चंक है वो पानी में समा गया है, उसको निकालने में वक्त लग सकता है। तो चलिए, NDRF का कहना है कि बहुत जल्द जो है ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, अभी फिलहाल दो लोगों के मिसिंग होने की जानकारी बताई जा रही है। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। तो NDRF की तरफ से यही कहा जा रहा है, जितने लोगों को बचाया जा सकता था पूरी मेहनत के साथ उन लोगों को बचाया गया। मलबा हटाने में अभी यहां पर थोड़ा सा वक्त और लग सकता है, लेकिन टाइम्स ऑफ भारत की
ये जो अभियान एक चलाया जा रहा है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आखिर किसकी यहां पर गलती थी। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, जेसीबी का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ ही ड्रोन की मदद यहां पर ली जा रही है, जलकुंभी में भी तलाश की जा रही है। आप देखेंगे इन तस्वीरों को तो समझ जाएंगे आप कि कितना भीषण यह हादसा हुआ था, जहां पर लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे। और ये नाव से सर्च ऑपरेशन की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आपको एनडीआरएफ की नाव गोल गोल घूमती हुई नजर आ रही थी, अगर उसके बारे में भी आपको बताएं कि वो गोल गोल घुमाया इसलिए जाता है नाव को कि अगर पानी की सतह पर कोई शव अभी भी नीचे है तो वो उस पानी के प्रेशर से ऊपर आ जाए और शव को बाहर निकाला जा सके, क्योंकि अब इतने वक्त बीत जाने के बाद जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लिहाजा जो शव अंदर हो सकते हैं इस पानी की सतह पर उनको बाहर निकालने का काम जो है वो जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि सिर्फ दो लोग ही अब लापता हैं, ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो जाए। हादसे से पहले का वीडियो आप देखिए जहां बड़ी संख्या में लोग आपको नजर आ रहे हैं और हैरानी हिमांशु उस बात को देखकर होती है कि कुछ युवक अगर हम ध्यान से देखें तो इस झूले को देखिए हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं, पैरों से भी तार को मारते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये लापरवाही कितनी भारी पड़ने वाली अगले कुछ ही मिनटों में। हालांकि लापरवाही से ज्यादा इसे अराजकता कहा जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो केबल है, केबल पर लात मारी जा रही है, उनको जोर जोर से धक्का दिया जा रहा है, हिलाया जा रहा है इस पूरे झूले को। ये कुछ शरारती तत्व कहे जा सकते हैं, अराजक तत्व भी कहे जा सकते हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये युवा है, समझ कम है और इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन खामियाजा क्या हुआ, इसका खामियाजा किसने भुगता? खामियाजा यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने भुगता, खामियाजा उन लोगों ने भुगता जिन्होंने अपने परिवार को यहाँ पर खो दिया और जो लोग जद्दोजहद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे।